बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। एक्सपायर वीज़ा और 6 माह से ज़्यादा अरसा मुतहिदा अरब अमारात से बाहर रहने वालों के रिहायशी वीज़ों में तोसी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में कुछ तारकीन वतन जिनके रिहायशी वीज़े कोविड-19 की सफरी पाबंदियों की वजह से एक्सपायर हो चुके थे, उनके वीज़े 9 दिसंबर 2021 तक खुदकार तरीके से वीज़ों में तोसी कर दी गई है। आमिर सेंटर के मुताबिक बहुत से रिहायशी जिनके वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी है, उनके 3 माह के लिए वीज़े तजदीद कर दिए गए हैं। जो लोग मुतहिदा अरब अमारात में सफ़र करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर वीज़े की हैसियत चेक कर सकते हैं। प्री ट्रेवल GDRFA की मंजूरी अब भी लाजमी है, दुबई में एक आमिर सेंटर के मुलाजिम ने खलीज टाइम्स को बताया कि जो लोग बैरून मुल्क एक्सपायर वीज़ों के साथ फंसे हुए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताहम मुतहिदा अरब अमारात में सफ़र करने से पहले उन्हें GDRFA की मंजूरी हासिल करनी होगी और हकूमत के मुकर्रर करदा दीगर RT-PCR टेस्टिंग प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। ट्रेवल एजेंट्स जो भारत और पाकिस्तान में फंसे हुए रिहायशियों के लिए सफरी मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन एजेंटों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके ग्राहकों के वीज़ों में तोसी कर दी गई है। एजेंटों ने इस बात का इरादा किया है कि खुदकार तोसी सिर्फ दुबई के रिहायशी वीज़ा रखने वालों को दी गई है, दीगर रियासतों में रिहायशियों के वीज़ों की तजदीद से मुतालिक फौरी तौर पर कोई अपडेट नहीं आई। वो रिहायशी जो मुतहिदा अरब अमारात के बाहर 6 माह से ज़्यादा अरसे से रहे हैं वो भी वापस आ सकते हैं। स्मार्ट ट्रेवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद ने वजाहत की, जिन वीज़ों की मियाद जून जुलाई के बाद ख़त्म हुई है उन वीज़ों की 3 माह की तोसी कर दी गई, जिनके वीज़े मई के महीने से जून के अवाइल में ख़त्म हो चुके हैं उनके वीज़ों को अभी तोसी नहीं दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा, यहाँ तक कि वो लोग जो 180 दिन से ज़्यादा अरसा मुतहिदा अरब अमारात से बाहर रहे हैं, फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ICA या GDRFA की मंजूरी हासिल कर चुके हैं वो वापस जा सकते हैं। एयरलाइंस ने भी ऐसे मुसाफरों को टिकटें जारी करने को कहा है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये छूट सिर्फ दुबई रेजिडेंसी वीज़ा रखने वालों के लिए है। ये निज़ाम बुध की सुबह अपडेट किया गया था। दोस्तों, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।